हेलो एवरीवन, सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस गेम का लास्ट मिशन, जिसमें हम साइबेरिया के प्राइम मिनिस्टर नेरगोई कुर्चेतोप को उड़ाने वाले हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे भी, इसीलिए मैंने इसको पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी आती वीडियो। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और आज इस वीडियो में हम सबको उड़ाने वाले हैं। टैक्स हट जा रहे हैं, मतलब जैमर है आसपास। और कोई भी होगा यहाँ पे देखते हैं। ओके, हमारे क्लोज में हैं दो लोग, एक हैवी वाला है एक लाइट वाला है। हैवी वाले को उड़ाने की कोशिश करते हैं। रुको, चला दिया बैल, अभी बचेगा नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे बहुत से लोग आने वाले हैं। भाई ये यहाँ छुपा है कब से, एंड मुझे नहीं लगता कि वो निकलेगा। सो देखते हैं वो ट्राई करके। नाइस, एक गया, एंड यहाँ मैं फिर से फंस चुका हूँ। तो मुझे आता है ग्लिच तोड़ने, इस तरीके से तोड़ेंगे ग्लिच। नाइस, सो अभी तक वो वहीं पर छुपा है। मे बी जैमर लगा है ना, तो इसलिए दिखते हैं यहीं से, यहीं पर देखा। इतने इतने लोग मर गए इसके, लेकिन ये अभी तक छुपा ही वहीं पर, सामने नहीं आया। एक बार ग्रेनेड फेंक के देखते हैं क्या होता है। ये तो एक और गया उधर, देखते हैं ट्राई करके। टरेट डाउन हो गया, लेकिन भाई ये लोग बाहर नहीं आए। अब छोड़ो इनको, चलते हैं नीचे। अब नीचे पर देखते हैं, अगर ये मिलेंगे तो मार देंगे, वरना छोड़ो अब क्या ही कर लेंगे। बाहर की तरफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाहर है वो, हम आगे बढ़ते हैं। एंड में भी ये रूम है जहाँ पे नरगोई होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसको और इस जैमर को फोड़ते हैं। नाइस शॉट भाई, एकदम मस्त पड़ा इसको। और अब जैमर को ऑफ करते हैं जल्दी से। चलो सो काम हो गया है हमारा, अब टैग करने पे टैग हटेंगे नहीं। ओके, ड्रोन से पहले इसको डिसेबल करते हैं। ओके ठीक है, फिर चलते हैं। अरे शिट, अरे मुझे लगा ड्रोन है वहाँ पे, हेड बटन दबा दिया। कोई ना, हम मरे नहीं हैं, बच गए। ओके, सो अब थोड़ा आगे घुमा के देख लेते हैं, सामने कोई बंदे उंदे होंगे तो टैग कर लेंगे। अरे है एक, लॉल। चलो और कोई तो नहीं है शायद यहाँ पे। हाँ और कोई नहीं है, इसको उड़ाते हैं पहले। नाइस, एनमी पोजीशन नोन। इनको मेरी पोजीशन कहां से मिली क्या बता भाई, वो मैं हिडन नहीं हूँ। शिट, चलो अब ठीक है। ये बाहर वाले हैं, बहुत देर से छुप के बैठे थे, अब उड़ाते हैं इनको।
इस गेम की डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है इस मिशन की, पता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मारना है ना। मैं जितने टाइम भी शूट कर रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ घास से, देखना शूट करूँगा इसको और मैं फिर ग्रास से बाहर जाऊँगा। देखा जैसे मैंने इसको पिन किया ग्रास से बाहर आ गया, तो ऑल टाइम मुझे शूट करना है और फिर अंदर आना है। ओके यहाँ पे दो लोग हैं तो इनको उड़ाते हैं पहले। सबसे पहले तो इसको उड़ाते हैं कमजोर वाले को। नाइस शॉट। अब इस मोटे की बारी, वह टुक्के में फायर कर रहा है। ओके लेवल 3 का पबजी वाला हेलमेट गया इसका, अब बस ये बचा है। ओ शिट बच गया। नाइस, चलो अब हम थोड़े से सेफ हैं क्योंकि सारे के सारे हैवी वाले उड़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ भी एक है, उड़ाते हैं इसको भी। नाइस, तो अब हमने सब क्लियर कर लिया है, अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ओहो एक और आया भाई, एक और सुपर था। चलो इसको उड़ाएंगे अब, इस मोटे के पहले उड़ाओ भाई, मोटा बहुत सेव करेगा नहीं तो। मोटा गया, अब छोटे को उड़ाते हैं, छोटा भी गया। तो अब आगे जा सकते हैं, अब तो पूरा क्लियर है, अब तो कोई है ही नहीं। ओके सो कोई भी नहीं है, चलो बढ़ते हैं फिर। एक बार डबल चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि स्कैन से ज़्यादा दूर तक रिव्यू नहीं कर सकते हैं मैन में को। सो ये जो लॉन्ग रेंज है उसको एक बार स्कैन कर लेते हैं हम अपने ये दूरबीन से। चलो अब तो 100% कोई भी नहीं है भाई, लिटरली अब कोई नहीं है, अब तो आगे बढ़ सकता हूँ एकदम इजीली। चलो बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। चलो ग्रेट, ये डिसेबल हो गया और हमें कुत्तों की आवाज़ आ रही है, मतलब कि आस पास ही है बुढ़ा बुढ़ा टकला भाई जैसा है। चलो उसको उड़ाते हैं। Aren't my paymasters? Is their top target after all? Common enemies do not necessarily make them our friends, Seeker. I'll take that as a no. चलो तो सामने ही है कुछ तो हमारे, तो उड़ाते हैं इसको और मिशन को खत्म करते हैं और साथ ही इस गेम को भी। ओहो देख रहे हैं पूरा भाई एकदम ग्लास से एकदम कवर करके रखा हुआ है अपने आप को, मतलब पूरा सिक्योरिटी में ही। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर है होगा तो। ओके कैमरा भी है उधर, ठीक है चलो ऊपर चलते हैं। मुझे लग रहा है ऊपर का एरिया थोड़ा खुला हुआ है तो ऊपर से फायर कर सकते हैं। लेट्स गो। ऊपर में हमारे जो दोस्त हैं तो उड़ाते हैं इनको। नाइस एक गया, फिर भाग गया यार, फायर करने का मौका ही नहीं मिला। कोई नीचे गए हैं वो लोग। चलो ये है उसका रूम प्राइम मिनिस्टर का, खुला हुआ तो है भाई। कहाँ भाई, कैसा सिक्योरिटी है मुझे। सीकर, कर्चटोव इज डेड। गुड, I've completed all the contracts. It's time for an explanation. Very well. Reach the exfil and we'll talk. पहली बार इस हैंडलर ने हमारा हालचाल पूछा है भाई लिटरली। और अब एक्सफिल्ट्रेट करते हैं जल्दी से, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको उड़ाने के बाद।
वो देख रहे हो वो ब्लिप ब्लू ग्लास के अंदर बैठे थे एकदम सिक्योरिटी के साथ। सेम जगह से पेनिट्रेट भी नहीं कर सकता वो ब्लूट, तो बाहर आके मारना पड़ेगा उसको। एंड जो हैंडलर था वो हमें हमारे बारे में कुछ बताएगा, मतलब कि उसने ये मिशन क्यों दिया, क्या था, हम कौन हैं, मतलब सब कुछ बताने वाला है ये। तो सो जल्दी से एक्सप्लेट करते हैं और उस कहानी को सुनते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द ही एक नई गेम की शुरुआत करेंगे हम, और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब यहाँ से एक्सप्लेट करते हैं एंड उसके बाद कटसीन को देखते हैं। ओके सो तुम लोग कटसीन देखो, मैं जल्दी मिलने वाला हूँ उससे एक नए गेम के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी या, कटसीन एंजॉय करो। You've proved your worth, Seeker. As promised, here's your truth. I represent a powerful alliance concerned with the global balance of power. Our mission here was to regain control over the region. Unfortunately, Kurchatov's government turned out to be highly uncooperative. The region is even less stable than it was before. With your help, we were able to correct this error without revealing our involvement. Shutting down Ivanovsky's project diffused any potential biochemical retaliation. Removing Sekov deprived the oligarchy of its main source of funding. Gorzhev and Petroshenko supported the government from the underworld. They needed to be stopped too. Alikhanova was on the brink of perfecting a super soldier. She could not be allowed to finish her eugenics research. Eliminating Kurchatov and Alikhanov was the final piece of the jigsaw. Their missile program would have plunged the region into a war no one could win. Weakened and decimated, the remaining Siberian oligarchy will now be much easier to control. We can now move on to more pressing matters, as our goals go far beyond the local conflicts. Your work for us isn't finished. You should hear from us soon, Seeker. ये थी इसकी कहानी। जल्द ही मिलने वाले हो इस नई गेम के साथ। सिया।